गांव से के दलित समाज समुदाय के लोगों द्वारा पलायन करते हुए राजस्थान में दलितों का जीना हुआ हराम। सौ दलित परिवार पलायन को हुए मजबूर। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर से आई हैं। ये तस्वीरें राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा हैं। ये तस्वीरें भारत की मोदी सरकार को भी शर्मसार करने वाली हैं। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे राजस्थान में दलितों का जीना हराम हो गया है। गांव से के दलित समाज समुदाय के लोगों द्वारा पलायन करते हुए पलायन की तस्वीरें इसलिए सामने आई है क्योंकि भरतपुर में अब दलितों के रहने लायक माहौल नहीं रह गया। जातिवादी गुंडों ने दलितों को अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और मवेशी सब समेटकर अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़े हैं। भरतपुर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सवर्ण जातिवादी गुंडों ने दलितों पर हमला कर दिया था। कुमेर थाना इलाके के गांव सह में अंबेडकर जयंती पर दलित समाज के लोग कार्यक्रम कर रहे थे। आरोप है कि उसी वक्त गांव के लखन गुज्जर समेत उसके साथियों ने दलितों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दलितों ने अंबेडकर जयंती मनाने के लिए जो पंडाल लगाया था उससे भी जातिवादी गुंडों ने आग लगा दी। इस हमले में दलित समुदाय के कई लोग घायल भी हुए थे। हमले के बाद भी गाँव के जातिवादी गुंडों ने दलितों को डराना धमकाना जारी रखा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ना आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई कर सकी और ना ही राजस्थान पुलिस ने पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई। डर की वजह से गांव सह से दलित समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। अपने गांव से घरों को छोड़कर पलायन कर रहे दलितों ने बताया कि पुलिस भी जातिवादी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दलितों को ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। दलितों के मुताबिक वे जातिवादियों से काफी खौफजदा हैं और इसी वजह से गांव को छोड़कर पलायन कर रहे हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में दलितों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।